हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोरेवाला क्रिकेट व्लॉग। तो गाइस, आज आपको कुछ बैटिंग की टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, हाउ टू जज लाइन एंड लेंथ, बॉलिंग की आप लाइन लेंथ कैसे जज करें कि फास्ट बॉलर को आप कैसे छक्के लगाएं, कैसे चौके लगाएं। तो गाइस, आज आपको मैं ऐसी मतलब छोटी सी टिप देने वाला हूँ कि अगर आपने ये टिप पर काम कर लिया तो आप एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, टेनिस बॉल में अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, मतलब हर जगह आप शॉट्स लगाना सीख जाएंगे। आपको उसके लिए एक आपने दोस्त लेना है, दोस्त को आपने कहना है कि मुझे एक यॉर्कर पर, एक गुड लेंथ पर, एक शॉर्ट पिच, मतलब आपने उसको कहना है मुझे इस तरह प्रैक्टिस करवानी है। तो गाइस, आज आपको मैं हाउ टू जज लाइन एंड लेंथ, लेंथ को चेक करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे एक शॉट की सिलेक्शन करें, कैसे आप यॉर्कर को, कैसे आप स्ट्रेट पर, कैसे मतलब ऑफ पर शॉट लगाए। तो गाइस, आपने ये वीडियो जाया नहीं करनी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक वॉच कर ली तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लाइन लेंथ को जज करने लग जाओगे, आप अपनी बैटिंग कहीं तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अगर आपको बॉल मतलब जल्दी से चेक नहीं होता, फास्ट बॉलर आपको बॉल चेक नहीं होता तो आप बॉल डॉट होते हैं, अगर आपको फास्ट बॉलर बॉलिंग करता तो आप बॉल ज्यादा डॉट होते हैं, टेनिस बॉल में कम ओवर होते हैं। अगर आप टेनिस बॉल में आपको 5 ओवर मतलब गेम मिल गई है तो अगर आप 2 ओवर मिस हो गए तो आप मतलब आप मैच हार जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसी तकनीक बताऊंगा कि आपने फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, फास्ट बॉलर के हाथ को अपने वॉच करना है। फास्ट बॉलर जब तक पॉपिंग क्रीज अंपायर के पास नहीं आता तब तक आपने फोकस नहीं छोड़ना, अंपायर के हाथ को आपने देखते रहना है अगर आपने एक कामयाब बैट्समैन बनना है। तो गाइज, जो मैंने आपको बताना कि आपने एक दोस्त को लेकर आपने उससे बोलना है कि मुझे एक शॉर्ट पिच, एक यॉर्कर आपने कैसे करवाने, कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो आप मुझे अब यॉर्कर और शॉर्ट पिच कैसे करेगा। तो मैं गाइस, आप भी देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चल तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।